भारत टीम ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को सुपर ओवर में हरा करके रचा इतिहास। दोस्तों अभी देखना चाहते हो सांस रोक देने वाले सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट वीडियो, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में दूसरा T20 मुकाबला हुआ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 187 रन, जिसके जवाब में भारत टीम ने बना दिए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान से 187 रन और ये मैच टाई करा दिया। आखिरी गेंद पे चौका लगा दिया देविका विद्या ने और इस मैच को टाई कराया। मार दोस्तों उसके बाद सुपर ओवर में ओपनिंग करने के लिए आई टीम इंडिया की ओर से स्मृति मंधाना और ऋचा घोष। दोस्तों ऋचा घोष ने पहली गेंद पे छक्का लगा दिया, मगर दोस्तों दूसरी गेंद पे ऋचा घोष आउट हो गई। उसके बाद देखते ही देखते भारत टीम ने एक ओवर में कूट डाले 20 रन और अब एक ओवर में जीत के लिए चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम को 20 रन। हालांकि पहली गेंद पे चौका लगा दिया ऑस्ट्रेलिया की हैली ने, उसके बाद दोस्तों अगली गेंद पे एक रन लिया, मगर दोस्तों रेणुका सिंह ने तीसरी गेंद पे गार्डनर को आउट कर दिया और इस मैच का पासा पलट रख दिया। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सुपर ओवर में बनाए 16 रन और भारतीय टीम ने जीत लिया 100% हारा हुआ मुकाबला सुपर ओवर में।